कॉन्सेप्शन बायोलॉजी का चैनल और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में, और उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वेन नेल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या नाम है इसका? वेन नेल हाइपोथेसिस। ये जो वेन नेल है इसने क्या ऐसा काम किया था जिसका नाम अभी तक इतना मशहूर है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, 4-5 मिनट लगेंगे, उसको पहले हमने समझना है कि वेन नेल हाइपोथेसिस क्या है। वेन नेल हाइपोथेसिस असल में ये रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस के अंडर आता है, रोल ऑफ वाटर, क्या वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, उसके अंडर हमारे पास ये वेन नेल हाइपोथेसिस जो है इसको हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखें ये वेन नेल जो हाइपोथेसिस है ये असल में आया कहां से। जब साइंटिस्ट को ये पता चला ना कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारे पास CO2 प्लस H2O goes to form chlorophyll और light की मौजूदगी में C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ठीक है, ये चीज बनती है। जब साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन जो है ना वो देख लिया, अच्छा ये फोटोसिंथेसिस ऐसे होती है, तो फिर मसला ये था कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मतलब जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है रिलीज हो रही है, वो ऑक्सीजन CO2 रिलीज कर रहा है या फिर H2O रिलीज कर रहा है। सवाल ये है ना, ऑक्सीजन इसके पास भी है, ऑक्सीजन इसके पास भी है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको कौन रिलीज कर रहा है, या ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको कौन मतलब रिलीज कर रहा है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला था। तो 1913 में क्या किया, 1930 में वेन नेल जो एक साइंटिस्ट था उसने हाइपोथेसाइज किया, उसने एक हाइपोथेसिस दी, उसने अपना एक नजरिया दिया कि हमारे पास जब ये वाटर स्प्लिट अप होता है तो वो वाटर हमारे पास ऑक्सीजन को रिलीज करता है, वो जो ऑक्सीजन है जो O2 है वो कहां से आता है, वो हमारे पास वाटर से आता है। ये हाइपोथेसिस दिया था किसने, 1930 में वेन नेल ने दिया था। इस वजह से इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं वेन नेल हाइपोथेसिस। ठीक है, कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, असल में वो ऑक्सीजन जब इसकी वाटर की होती है ना फोटोलाइसिस, तो उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वही ऑक्सीजन हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस रिलीज हो जाती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है वो यूज होती है किसमें, C6H12O6 में या कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी में। और इस बात को कंफर्म किया गया था 1940 में। ठीक है, ये याद रखना, 1930 में हाइपोथेसिस दिया गया था लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी, 1940 में इस बात को कंफर्म भी कर लिया था, इस हाइपोथेसिस को कंफर्म कर लिया था। और वो किस वजह से कंफर्म कर लिया था, जब उस वक्त डिस्कवरी हो गई थी या यूज हुआ था ऑक्सीजन 18, कौन सा ऑक्सीजन 18, इसको मैं कह देता हूँ 18। ठीक है, अब जो आम हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16, कितना होता है 16, तो उसी के आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं O17, O18, जिसका एटॉमिक मास वेरिएट कर रहा होता है। ठीक है, O8 तो उसका एटॉमिक नंबर दोनों का यही है, लेकिन जो आम ऑक्सीजन है वो 16 है, जो हमारे पास रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन है इसको हम क्या कहेंगे, रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे, रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 18, तो ये एक रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन है। तो हमने मतलब साइंटिस्ट ने ये वाला ऑक्सीजन जो है ये यूज किया था इस फोटोसिंथेसिस के दौरान, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एलजी पे किया था, एल्गा सस्पेंशन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एमसीक्यूज के लिए याद रखना, इसमें और कोई इतनी रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है। एल्गा सस्पेंशन मतलब जो एलजी थे उसी के जानदारों पे, उसी के सेल्स पे हमने क्या किया कि वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो वहां पर उस फोटोसिंथेसिस में हमने वो ऑक्सीजन है वो चेंज कर दिया, नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह हमने O18 डाल दिया, जो रिडक्टिव ऑक्सीजन था वो डाल दिया, तो उससे क्या हुआ हमारे पास, वो देखो वो इंपॉर्टेंट चीज है, कंफर्मेशन कैसे हो गई, तो उससे हमारे पास क्या हुआ, इधर देखो बिलफर्ज, पहले हमने वो जो H2O था उसके ऑक्सीजन को रिप्लेस किया O18 वाले के साथ, मतलब इस नॉर्मल H2O है उसका ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास वाला है, कितने वाला है 16 एटॉमिक मास वाला, इसको हमने रिप्लेस किया O18 वाले से, तो कौन सा रिएक्शन बनेगा, 6 CO2 plus 12 H2
और जो ऑक्सीजन हमने लिया था वो कौन सा लिया है, वो हमने O18 वाला लिया है। कौन सा वाला, ये जो रेड है ये हम इसको O18 वाला कर दें। तो 12H2O goes to form, अब क्या होगा इसके जाने से जो वो तो होगी ना हमारे पास फोटोसिंथेसिस तो होगी, लेकिन यहाँ पे C6H12O6 भी बना, H2O भी बना, जबकि जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो हमारे पास कौन सा रिलीज हुआ, O18 वाला, कौन सा रिलीज हुआ, O18 वाला। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो देखो हमने O18 मिलाया कहां पे था, वाटर के साथ मिलाया था ना, और वही O18 वाला रिलीज कहां पे हुआ, वाटर से ही होगा ना, क्योंकि वाटर के साथ वो 18। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो असल में इस वाटर के स्प्लिट अप होने की वजह से ही वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर हम दूसरे केस में देखें तो अगर हम 6CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रेडियक्टिव कर दें, उसको क्या कर दें, रेडियक्टिव कर दें और बाकी ऐसे ही रहे, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी रेडियक्टिव होगा, वो भी क्या होगा, रेडियक्टिव। C6H12O6 प्लस ये जो वाटर है ये भी रेडियक्टिव होगा, जो वाटर बनेगा वो भी क्या होगा, रेडिएक्टिव होगा। क्यों रेडिएक्टिव होगा, इन दोनों को ऑक्सीजन ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिलीवर करता है, जबकि हमारे पास है ये 6O2 है, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है प्योर फॉर्म में वो हमारे पास कोई रेडिएक्टिव नहीं है। तो इट्स मीन कि जब वाटर यहाँ पे रेडिएक्टिव नहीं था तो वो रिलीज ऑक्सीजन भी रेडिएक्टिव नहीं है, जब वाटर यहाँ पे रेडिएक्टिव था तो वो रिलीज ऑक्सीजन भी रेडिएक्टिव है। तो इस तरीके से 1940 में बाय द यूजेज ऑफ रेडिएक्टिव O18 ऑक्सीजन वी कंफर्म दैट वेनेल हाइपोथेसिस, वेनेल हाइपोथेसिस ने ये वेनेल ने तो यही बात की थी कि हमारे पास जो रेडिएक्टिव जो ऑक्सीजन है सॉरी वो वाटर रिलीज करता है। तो इस बात की कंफर्मेशन होगी, क्या हमने यूज किया, हमने O18 यूज किया, किसमें यूज किया, एलजी में यूज किया, ठीक है, और वहां से हमने चीज को वो कर दिया, हमारे पास क्या कहते हैं उसे, कंफर्मेशन कर दिया। अब इसके अलावा अगर रोल ऑफ वाटर में देखते हैं तो इसका एक तो ये रोल है, अब यही से पता चल जाता है कि जब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वाटर होता है, जब इस वाटर पे फोटॉन आते हैं तो ये वाटर जो है वो स्प्लिट अप कर जाते हैं, मतलब ये आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं 2H पॉजिटिव आइंस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन में, इस चीज में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये जो फोटोलाइसिस है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का पहले रिएक्शन हमारे पास ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो ये हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या कि जब वाटर के ऊपर लाइट पड़ती है ना प्लांट के अंदर, ये बात याद रखना, ये अपना सोचना कि समुद्रों पे भी सन लाइट पड़ रही है तो वहां पे भी ये रिएक्शन हो रही है पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ये साइंटिस्ट को अब भी समझ नहीं आ रही कि कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वाटर होता है जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो स्प्लिट अप हो जाता है, और इसके जो असल रिएक्शन है ना वो भी याद रखना, असल रिएक्शन इसका ये वाला है 2H2O goes to form 4H positive plus 4 electron plus complete of oxygen molecule, असल जो रिएक्शन है वो ये वाला है, बुक में ये वाला लिखा है तो तुम लोग इस चीज को लेकर चलो, लेकिन असल में रिएक्शन ये वाला है, बुक वाला जो तुम लोगों को समझाने के खातिर आसानी से लिखा गया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो जाता है मैंगनीज वाला, और ये फिर वन बाई वन जो है वो दिया जाता है फोटोसिस्टम को, तो अलग से एक कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए ये याद रखो कि जो रोल ऑफ वाटर है ना फोटोसिंथेसिस में वो क्या है, क्योंकि जो वाटर है वो स्प्लिट अप हो जाता है तो वो हाइड्रोजन आइंस भी फोटोसिंथेसिस को दे रहा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं मतलब जब फोटोसिस्टम पे हमारे पास हो PFP680 इसको अभी तक याद रखो, कल इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो फोटोसिस्टम 2 होता है या जो P680 होता है जब उस पे लाइट पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन कर जाते हैं एक्साइट, क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं तो पीछे अपने छोड़ जाते हैं होल, तो उस होल को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कौन देता है, वो हमारे पास वाटर देता है। तो वाटर क्या हुआ, वाटर हमारे पास तीन फंक्शन कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन आयन डोनर है, क्या है, हाइड्रोजन आयन डोनर, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बाद में यूज होंगे एटीपी के सिंथेसिस में, तो इस वजह से भी वाटर इंपॉर्टेंट हुआ। एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन डोनर है क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे रहा है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कहां दे रहा है, P680 को दे रहा है, याद रखना,
किसको दे रहा है, कौन सिस्टम को दे रहा है, फोटो सिस्टम को, P680 को। दो फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन ये है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जिसके लिए हमने ये सारा वेनर हाइपोथेसिस देख लिया। तो वो भी किसके इंपोर्टेंस में आता है, वाटर के इंपोर्टेंस में आता है। तो अगर कोई पूछे तुम लोगों से कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है या रोल ऑफ वाटर क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले उसमें क्या बोलना कि ये रिएक्शन ये वाला जो लिख देना ना, ये उसके बाद कहना कि हाइड्रोजन आयन डोनर भी है। हाइड्रोजन आयन किसको देगा, ये बाद में एटीपी सिंथेसिस में काम आएगा, केमियोसिनेसिस में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको देगा, फोटोलाइसिस के बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा हमारे पास फोटोसिस्टम 2 को। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, वो भी असल में वो ऑक्सीजन कौन रिलीज करवा रहा होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, वो इस वाटर से रिलीज हो रहा था। तो ये था ऑल अबाउट रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस एंड वेनल हाइपोथेसिस। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।